हेलो क्लास 12th। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो बेसिकली अभी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी रिगार्डिंग द क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, जिनके थ्रू हमें ये चीज़ें पता चली कि डीएनए है एक जेनेटिक मटेरियल जो क्या होता है, उसमें प्रोसेस होती है सेंट्रोसोम जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, मैसेंजर आरएनए बनते हैं, देन मैसेंजर आरएनए से अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। सो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया कि अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ा या पिछले सीक्वेंसेस सेक्शंस जो भी हमने यहाँ पर देखे, उनमें ये बताया गया कि जो डीएनए है एंड डीएनए में भी बेसिकली कौन जो उनमें सीक्वेंसेस हैं, बेसिकली जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो डिटरमाइन करते हैं वो अपने अंदर क्या सेव करके रखा है उन्होंने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी डीएनए है और बेसिकली उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस है वो डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं अबाउट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सो अब क्या हुआ था, अब हमें यह सब पता चल चुका था कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है डीएनए के रिगार्डिंग या जो भी प्रोसेस होती है डीएनए के रिगार्डिंग, उसमें नाइट्रोजन बेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिकॉज अभी जैसे आपने ट्रांसक्रिप्शन देखा, ट्रांसलेशन देखा, वहाँ पे कोडॉन्स बन रहे थे, कोडॉन्स का जो प्रॉपर्टी है जो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है उनका एक दूसरे का, इसी वजह से बहुत सारी प्रोसेसेस कंप्लीट हो पाती, राइट। सो यहाँ पर बताया गया कि अब तक हमने ये समझ लिया था कि जो भी सीक्वेंसेस हैं डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस वही क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं। सो अब क्या हो गया था, अब हमें पता था कि जो जेनेटिक्स हैं, बेसिकली जो जेनेटिक्स है उसमें डीएनए सीक्वेंसेस का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, वो ऑर्गेनिज्म के और किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी इंडिविजुअल के फॉर्मेशन में जो जेनेटिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर डीएनए सीक्वेंसेस का बहुत रोल प्ले होता है। यहाँ पर यही बताया गया आपको कि अगर कोई दो इंडिविजुअल हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस हैं तो ऑफकोर्स जो उनके डीएनए सीक्वेंसेस हैं वो भी डिफरेंट होंगे, बिकॉज हम जो ऑर्गेनिज्म है हम सबके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, राइट। तो ये डिफरेंसेस क्यों है, बिकॉज हमारे अंदर जो डीएनए सीक्वेंसेस है उनमें भी डिफरेंस होता है। और एटलीस्ट अगर पूरा, जैसे हम एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, सो अगर पूरा चेंज नहीं होगा तो फिर भी सम हाउ कुछ प्लेसेस ऐसे होंगे जहाँ पर जो डीएनए है उसमें डिफरेंस पाया जाएगा। सो इस वजह से एक प्रोसेस स्टार्ट हुई या एक कोशिश की गई, फाइंड आउट करने की कोशिश की गई कि जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो सीक्वेंसेस हैं और किसी भी ह्यूमन में जो डीएनए के सीक्वेंसेस है, सीक्वेंसेस के जैसे ए है आपके पास एडेनिन, उसके पास थायमिन आएगा या ग्वानिन है, उसके बाद साइटोसिन आएगा, क्या आना चाहिए, ए के बाद पर्टिकुलर कौन सा जीनोम, कौन सा कोड वहाँ पर या फिर कौन सा नाइट्रोजन बेस होना चाहिए। जैसे आप तो ये एक में आपको नाइट्रोजन बेसिस दिखाई देते हैं, तो जो नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंसेस है यानी कि ए के बाद टी का आना, टी के बाद क्या आ सकता है, जी आ सकता है या सी आ सकता है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये यहाँ पर पता लगाने की कोशिश की गई कि सीक्वेंसेस एक्चुअली में किस तरीके के होते हैं, ए टी जी सी फिर जी टी ए सी, जो भी प्रॉपर सीक्वेंस है। एक एग्जांपल मैं अगर आपको दे दूँ कि अगर हमेशा वहाँ पर ए के बाद टी ही आ रहा है या जी के बाद सी आता है या फिर जी के बाद ए आ रहा है या सी के बाद टी आता है, तो जो भी ये सीक्वेंस है वो किस तरीके से बनता है और क्या सीक्वेंस है, हमेशा यही एक ही पैटर्न होता है या अलग पैटर्न होता है, तो इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट किया जाने लगा। सो यहाँ पर एक्चुअली एक जो ये कैसे पॉसिबल हुआ, एक्चुअली अब क्या हो सकता है, हमारे पास जो टेक्निक्स है वो अब क्या हो चुकी हैं, डेवलप हो चुकी हैं। सो बहुत सारे ऐसे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें हम जेनेटिक्स के रिगार्डिंग कुछ ऐसी टेक्निक्स को स्टेबलाइज किया गया, बनाया गया, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। डीएनए को आइसोलेट मतलब ये डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स में डीएनए मौजूद है, अब हम क्रोमोसोम्स को आइसोलेट करके यानी कि जो डीएनए है उसे आइसोलेट करके बाहर निकाल सकते हैं। ऑल्सो इस डीएनए की हम कॉपी बना सकते हैं, उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं, उसकी एक जैसी बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं। और कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ सिंपल और कुछ फास्ट मेथड टेक्निक्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जिससे इन डीएनए के सीक्वेंसेस को क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया जा सके कि किस तरीके से क्लोनिंग में है और कौन से यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेसिस है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ बेस पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिस प्रोजेक्ट में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया गया, जिसमें इन सीक्वेंसेस को सर्च करने की, इन सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश की गई। और ये जो प्रोजेक्ट था वो लॉन्च किया गया था इन 1990 में।
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब हम इसे पढ़ते हैं अबाउट दिस कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पर क्या बताया गया। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कि HGP जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट था, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। बिकॉज आप DNA की, जैसे कि प्रीवियस हमने बात भी की है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं, इतने सारे कोडॉन, इतनी सारी चीज़ें, ट्रांसक्रिप्शन और ये सारी प्रोसेस, तो एक मेगा प्रोजेक्ट है। और अगर अभी जो बताया गया है कि अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट अप्लाई हुआ और क्या क्या रिक्वायरमेंट थे, तो आप उससे समझ सकेंगे कि ये प्रोजेक्ट रियली में एक मेगा प्रोजेक्ट है। सो हमने प्रीवियस जैसे कि डिस्कस किया है कि ह्यूमन का जो जीनोम है या किसी भी ह्यूमन का जो जेनेटिक मटेरियल है, DNA है, वो अप्रॉक्सीमेट कितना हो सकता है, 3×10⁻⁹ बेस पेयर वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। यानी एक जो DNA है उस DNA में 3×10⁹ बेस पेयर हो सकते हैं। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल के थ्रू ये समझाना चाह रहे हैं कि ये कितना बड़ा पर है। इन्होंने इसको बताने के लिए, क्लियर करने के लिए एग्जांपल दिया है। तो ये एग्जांपल अभी हम यहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पे इन्होंने बताया कि हमें जो हम बेस पेयर हमने आइसोलेट किया है, यानी कि जो DNA यहाँ से आइसोलेट किया हुआ है, तो उसमें से अगर हम एक बेस पेयर को निकालते हैं, ठीक है, अगर एक बेस पेयर हम वहाँ से निकाल रहे हैं और उस बेस पेयर को एक बेस पेयर हम वहाँ से निकाल रहे हैं और उस बेस पेयर को समझने के लिए, उन्हें फाइंड आउट करने के लिए या उनकी प्रॉपर टेक्निक्स को समझने के लिए जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है, $3। अगर एक बेस पेपर पेयर की कॉस्ट अगर $3 है, तो अगर उसी तरीके से जो इन बॉडी में कितने मौजूद हैं, 3×10⁹ बेस पेयर यहाँ पर मौजूद हैं। सो अब कितना उसमें पैसा लगेगा, कितनी वैल्यू आएगी, आप देख सकते हैं, 3×3 में कर देंगे, दैट इज़ 9×10⁹, तो ये वैल्यू कितनी है, अप्रॉक्स नाइन मिलियन $US हमें यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, तब हम प्रॉपर एक पूरे DNA के सीक्वेंसेस को चेक कर सकते हैं। ऑल्सो दे आर गिविंग सम अदर एग्जाम्पल जिसमें इन्होंने बताया कि अगर हम जितने भी सीक्वेंसेस यहाँ पर मिल रहे हैं उन सबको हम स्टोर करें, एक बुक में टाइप करके रखें कि कितने सीक्वेंसेस यहाँ पर हैं, तो उसके लिए हमें क्या कर लेना पड़ेगा, हम क्या कर रहे हैं, एक पेज में N1 पेज हम 1000 लेटर्स को टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और जो बुक है उस बुक में बेसिक कितने पेज है, 1000 पेज है, ठीक है। सो एक पेज में आप कितने लेटर्स को टाइप कर रहे हो, 1000, और जो आपके पास ये पूरी बुक है, कॉपी है, इसमें 1000 पेज हैं, तो अगर इतना आप करोगे, मतलब एक कॉपी, एक बुक, उसमें 1000 पेज और एक ईच पेज में आप 1000 लेटर लिख सकोगे, तो भी आपको अप्रॉक्स 3000 यानी 3300 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम इन प्रॉपर सीक्वेंसेस को कवर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो ये एग्जांपल्स हैं ये सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि कितना बड़ा, कितना मेगा प्रोजेक्ट है ये, जिसमें कितना टाइम, कितना मेहनत लगने वाली है और किस तरीके से बहुत ही यूनिकनेस है इस पूरे प्रोजेक्ट में, जिसके थ्रू पता लगाया जा सकता है कि DNA sequences एक्चुअली क्या हैं, कि इतने बड़े होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, जिस तरीके से भी बताया कि जो भी हमने आपको डाटा दिखाया, एक जो पहले गेम बता दिया था मैं कि हाँ बुक इतनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकती है, सो यहाँ पे जो इनॉर्मस स्ट्रक्चर या फिर इनॉर्मस अमाउंट आपको बताया गया है, ये सिर्फ इसलिए बताया गया कि आप एक एक्सपेक्ट कर सको, एक एक्सपेक्टेशन रख सको कि कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कितनी ज़्यादा नेसेसिटी है इस प्रोजेक्ट की, कितना एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेंगी उन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, उनको यूटिलाइज करना, इट्स वेरी टफ। तो यहाँ पर कुछ ऐसे डिवाइस बनाई गई, कुछ हाई स्पीड कॉम्प्यूटेशंस डिवाइस बनाए गए थे जिसके थ्रू हम स्टोर कर सकें, बिकॉज स्टोर हम बुक्स का एग्जांपल जो यहाँ पे दिया गया 3000 बुक्स को स्टोर कर पाना, इट्स नॉट सो ईजी। सो एक ऐसे डिवाइस बनाई गई है जिसमें कंप्यूटराइज मेथड से उसको डाटा को वहाँ पे स्टोर किया गया, रिट्राइवल्स किया जाता है उसका, यानी कि जब हम उसे चाहें तो उसको हम वापस यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑल्सो एनालिसिस कर सकते हैं, जितनी भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन है उनको हम हर बेसिस पे जब भी आपको नीड है आप उसे एनालिसिस कर सकते हो। तो इस तरीके से एक डिवाइस बनाई गई, ठीक है, और उस डिवाइसेस में इन डाटा को स्टोर किया गया। सो जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट
के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली एसोसिएट है, बिकॉज हमने क्या किया, एक न्यू बायोलॉजी में एक न्यू एक डिपार्टमेंट या एक न्यू साइंस, एक न्यू एरा को डेवलप्ड कर दिया, जिसके अंदर हम एक अलग तरीके की बायोलॉजी को पढ़ते थे, जिसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो जीनोम्स हैं, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल हैं, उनके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है उन्हें कलेक्ट किया जाता है और उनके बारे में फर्दर स्टडी की जाती है। तो एक नया एरिया या एक नया डिपार्टमेंट या एक नया प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हुआ, जिन्हें एक न्यू स्ट्रीम का नाम दे दिया गया, दैट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट। अब अगर हम गोल की आप बात करें, या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं इन शॉर्ट, सो अगर हम गोल्स की बात करें कि क्या क्या गोल्स हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, तो कुछ गोल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। फर्स्ट गोल यहाँ पर क्या बताया गया कि आइडेंटिफाई करना है ऑल जीनोम, जितने भी जीन्स मौजूद हैं इन द डीएनए, उन सबको आइडेंटिफाई करना है, जो कि अप्रॉक्स 20,000 to 25,000 जो जीनोम्स यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना, उनके स्ट्रक्चर्स को पता लगाना। नेक्स्ट डिटरमाइन करना कि जो बेस पेयर यहाँ पे मौजूद हैं, जो बेस पेयर आपको दिखाई देते हैं, एडनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये जो बेस पेयर मौजूद हैं, सो 3 बिलियंस जो बेस पेयर हैं, उन बेस पेयर के सीक्वेंसेस को डिटरमाइन करना, ऑल्सो वो किस तरीके से ह्यूमन डीएनए में फॉर्मेशन करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर पता लगाना। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हैं इन आर डाटा बेस, तो इन्फॉर्मेशन के को स्टोर करना, पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड ऑल्सो स्टोर करना इन अ फॉर्म ऑफ डाटा बेस। नेक्स्ट जो इम्प्रूवमेंट टूल्स हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यू को एनालिटिकली चेक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, तो उन टूल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। ऑल्सो जो यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो इन फिर इंफॉर्मेशन को अदर सेक्टर्स में भी देना, बिकॉज जो डीएनए है वो हर जगह आपको मिल जाएगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेगा। तो अगर जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हर सेक्टर्स को प्रोवाइड की जाए, ताकि और ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ से हो सके और ज़्यादा न्यू चीज़ों के बारे में पता लगा सकें। ऑल्सो कुछ ऐसी, वन मोर थिंग, जो लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी इन सोसाइटी या इन हमारा जो भी ये सोसाइटी है, उसमें अगर आप जब कोई न्यू वर्क करते हो, तो वो वर्क, हर एक वर्क कुछ इश्यूज से जुड़ा होता है, जैसे कि एथिकल इश्यूज या लीगल इशू या सोशल इश्यूज से जुड़े हुए हैं। तो जो एथिकल, लीगल और सोशल इशू जुड़े होते हैं, उनको इन प्रोजेक्ट के थ्रू राइज करना, उठाना कि किस तरीके से जो भी, बिकॉज इस डीएनए से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो उन सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके जो भी इश्यूज़ हैं उनको और अच्छी तरीके से क्लियर करने की, सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं कि अप्रॉक्स जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो 13 ईयर्स तक कंटिन्यूसली चलता रहा, और ये प्रोजेक्ट जो है वो US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा चलाया जाता था, जो कि 13 ईयर्स तक इन्होंने रन किया। ड्यूरिंग अर्ली ईयर, ये जो स्टार्टिंग का जो ईयर था HGP का, वो वेलकम ट्रस्ट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि वेलकम ट्रस्ट उसके मेजर पार्टनर थे। आफ्टर दैट कुछ और कंट्रीज भी आई, जैसे जापान, फ्रांस और जर्मनी, चाइना एंड सम अदर कंट्री ने भी इनके बारे में कॉन्ट्रीब्यूट किया। ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुआ इन 2013, एंड जितने भी, और इसके द्वारा, इस प्रोजेक्ट के द्वारा बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिली जिससे पता चलता है कि डीएनए किस तरीके से अफेक्ट करता है वेरिएशंस को, किस तरीके से जो इंडिविजुअल हैं उनमें एक रिवोल्यूशनरी न्यू वेज डायग्नोस किए गए, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आया इन्हें जेनेटिक फील्ड, जहाँ पे पहले हमें जेनेटिक्स के बारे में थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन थी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट अब इस प्रोजेक्ट की वजह से एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया, जिससे हम डायग्नोस करने का, यानी डीएनए से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एन एग्जांपल म्यूटेशन या फिर अदर जितनी भी डिजीजेज आप कह सकते हो, उन सबको यहाँ पर ईजिली हम डायग्नोज कर सकते हैं, उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो थाउजेंड्स ऑफ डिजीज या विद थाउजेंड्स ऑफ जो डिसऑर्डर है इन ह्यूमन बॉडी में हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो उनको डायग्नोज किया जा सके और उनको प्रिवेंट किया जा सके। बिकॉज अगर हम उन्हें डायग्नोज करेंगे, उन्हें हमें पहले से पता होगा कि इस देयर सम प्रॉब्लम, सो उसे आप क्या कर सकते हो, पहले ही प्रिवेंट कर सकते हो, पहले ही ट्रीट कर सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और एक रेवोल्यूशनरी चेंज यहाँ पर आया। सो बिसाइड
प्रोवाइडिंग क्लू। यहाँ पर इन्होंने जो हमें दैट मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के बारे में अंडरस्टैंड करने के अलावा भी, मतलब ह्यूमंस के रिगार्डिंग ये ह्यूमन जीनोम है उसको तो यहाँ पे इन्होंने समझा ही, पर उसके साथ साथ जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी डीएनए सीक्वेंसेस के थ्रू जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं कि नेचुरल जो कैपेबिलिटी है उनके अंदर वो किस तरीके से आती है, वो अकॉर्डिंग टू नेचर किस तरीके से बिहेव करते हैं नॉन ह्यूमन यानी जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके बारे में भी पता लगाया गया। ऑल्सो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं जो एक चैलेंज की तरह है हमारे लिए, उन चैलेंज को भी सॉल्व करने की कोशिश की गई रिगार्डिंग द सो मैनी हेल्थ इशू एग्रीकल्चर, बहुत एनर्जी प्रोडक्शन, जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है, ऑल्सो जो इन्वायरमेंटल रेडिमेडिएशन है उसको भी समझा जा सका और इन्वायरमेंट्स के थ्रू जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है या इन्वायरमेंट में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उन सब को भी इस मेगा प्रोजेक्ट के द्वारा समझा जा सका। ऑल्सो कुछ और नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस और जो यहाँ कैरेनोहेबेटस इलिंगस जो कि क्या होता है एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड्स है उनके ऊपर पता चला किया गया। इसे ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई उसके बारे में, ऑल्सो सम प्लांट जैसे राइस एंड सिस जो कि कुछ प्लांट एंड राइस के रिगार्डिंग है उनमें भी सीक्वेंसेस को पढ़ा गया, सीक्वेंसेस डीएनए सीक्वेंसेस को देखा गया कि किस तरीके से वो डीएनए सीक्वेंसेस हैं और वो वर्क करते हैं। ठीक है, सो आज जो इस वीडियो में हमने बताया कि व्हाट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसके अंदर बेसिकली किया क्या गया और क्या इसके गोल्स थे। नेक्स्ट हम इसकी मेथोलॉजीज को चेक करेंगे किस तरीके से ये प्रोसेस होती है और उनमें क्या प्रोसेस हम यहाँ पर प्रोसीड करते हैं जिससे जो सीक्वेंसेस है उनको रिकॉग्नाइज किया